गुड मॉर्निंग प्लस वन बच्चों, चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके जो थ्योरी पार्ट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 13.1 डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो जो फार्मूले हमने डिस्कस किए थे वो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो एक फंक्शन की जो लिमिट है कब एग्जिस्ट करेगी, वेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू ए माइनस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स अप्रोचिंग टू ए प्लस। ठीक है बच्चों, और इसको एच मेथड से भी कर सकते हैं आप, लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एच एच अप्रोचिंग टू जीरो इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच एच अप्रोचिंग टू जीरो। ठीक है, और सेकेंड फार्मूला हमने किया था लिमिट ऑफ एक्स एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस एक्स अप्रोचिंग टू ए इज इक्वल टू एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। और थर्ड फार्मूला किया था लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स। बस ये दो तीन फार्मूले ही हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज 13.1, ठीक है बच्चों। तो इसके सम्स काफ़ी सिंपल हैं। फर्स्ट सम में इसकी लिमिट निकालनी है आपने, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू थ्री एक्स प्लस थ्री। तो इसमें आप सिंपली एक्स की वैल्यू थ्री पुट कर दें तो ये आएगा थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स। सेकेंड सम भी काफ़ी सिंपल है, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू पाई एक्स माइनस ट्वेंटी टू बाई सेवन। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दें पाई माइनस ट्वेंटी टू बाई सेवन। ठीक है बच्चों, थर्ड सम लिमिट आर अप्रोचिंग टू वन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई हो गया। ठीक है बच्चों, और फोर्थ सम में लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू फोर फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू। तो इसमें x की वैल्यू 4 पुट कर दें आप, ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपके आएगा 19 बाई टू। ठीक है, अभी तो क्योंकि सारे डिफाइंड ही है। नेक्स्ट सम आपका लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस वन एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो इसमें आप x की वैल्यू माइनस वन पुट कर दें, माइनस वन की पावर 10 प्लस माइनस वन की पावर 5 प्लस वन अपॉन माइनस वन माइनस वन। तो इसको सॉल्व करके आएगा आपका माइनस वन बाई टू। ठीक है बच्चों, अब सिक्स सम है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एक्स प्लस वन की पावर फाइव माइनस वन अपॉन एक्स। तो इसमें आप ये देखो जीरो ओवर जीरो फॉर्म आ रहा है आपके पास, तो इसमें आप लगाएं बाइनोमियल थ्योरम, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एक्स की एक्स प्लस वन की पावर फाइव को खोल ले आप एक्स फाइव प्लस फाइव एक्स फोर प्लस टेन एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स। तो ये आप चेक कर रहे हैं, ये वन और वन कैंसिल हो जाएंगे आपके, ठीक है, एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है, एक्स कॉमन आ जाएगा। तो जो बाकी बचा आपका एक्स फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस फाइव बचा। ठीक है, तो बच्चों ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये आपका ओनली जो लास्ट में ये फाइव है ये बच जाएगा। ठीक है, ओनली फाइव आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद है आपका सेवन्थ सम, ये भी काफ़ी सिंपल सम है। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या करना है आपको, इसको कर देते एक बार। सेवन्थ सम में लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो आप इसमें टू पुट करेंगे तो ये कौन सी फॉर्म आ रही है, जीरो ओवर जीरो फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो आप इसके फैक्टर बनाएं तो ये बनेंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स बनेंगे। ठीक है, अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। तो इसका आएगा आपका लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो थ्री एक्स कॉमन ले लें एक्स माइनस टू प्लस फाइव कॉमन ले लें एक्स माइनस टू। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ आपको? ठीक है, तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर एक्स माइनस टू कॉमन आ रहा है आपका, तो मैंने एक्स माइनस टू कॉमन ले लिया एक्स अप्रोचिंग टू टू। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 3x प्लस फाइव, ऐसे ही हो गया, क्लियर आपको? तो आप इसमें देख पा रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा। अब x की वैल्यू 2 इन सभी में डाल दें आप, ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 11 बाई फोर। ठीक है बच्चों, काफ़ी सिंपल सम था ये वाला। इसी तरह से एट सम आपके पास लिमिट x अप्रोचिंग 2 3 एक्स फोर माइनस 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो आप इसमें फिर से देख रहे हैं, एक्स को थ्री पुट करते हैं तो हमारे पास ऊपर भी जीरो आ रहा है, नीचे भी जीरो आ रहा है।
तो 0/0 फॉर्म आ रही है आपके पास। तो इसके फैक्टर बनाए x² - 9x² + 9, और डिनोमिनेटर के फैक्टर बनेंगे आपके, आप इसको फैक्टराइज करेंगे x - 3 2x + 1। फिर से फैक्टर बनाएं आप इसके x² - 9 के, x - 3 × x + 3 x² + 9 अपॉन x - 3 × 2x + 1। तो आप इसमें देख पा रहे हैं ये कैंसिल हो गया, सॉरी 3 था यहाँ पर। अब इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर दें तो आप चेक करेंगे आपका आंसर 108/7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, काफ़ी सिंपल सम है। 9 था आपके पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ax + b अपॉन cx + 1, x को 0 पुट कर दें आप इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा b। 10th लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x^(1/6 - 1) अपॉन x^(1/3 - 1, तो इसको आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x^(1/6)² - 1 अपॉन x^(1/6) था नीचे, सॉरी ये था 1/3 और ये 6 था, ठीक है 1/3 - 1, सॉरी 1/6 है ये वाला। ठीक है बच्चों, तो आप एक फैक्टर बना दें इसके, आप लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 क्योंकि 0/0 फॉर्म आ रही है आपके पास, ठीक है x^(1/6 - 1 अपॉन x^(1/6) काफ़ी बड़ा हो गया ये -1। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये कैंसिल हो रहा है, और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया बच्चों। इसी तरह से 11th सम में लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 ax² + bx + c अपॉन cx² + bx + a, तो x को 1 पुट करें आप c/a, तो ये a + b + c और डिनोमिनेटर में भी a + b + c आ जाएगा, तो ये आ गया 1 आपका। ठीक है बच्चों, 12th सम लिमिट x अप्रोचिंग टू -2 1/x + 1/2, काफ़ी सिंपल सम है ये वाला भी। तो इसका आपने एलसीएम लिया न्यूमरेटर का, तो ये आ गया x + 2, ठीक है नीचे आएगा 2x और ये x + 2 आ गया। फिर से आप इसमें चेक कर रहे हैं कि ये कैंसिल हो रहा है आपका, x की वैल्यू -2 पुट करें तो आपका आंसर आ गया -1/4। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद है 13th सम हमारा, ये बड़ा सिंपल सम है। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin ax / bx, ठीक है इसमें sin x / x का फार्मूला लगेगा। हम इसमें क्या करेंगे, 1/ax से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है बच्चों, तो क्या बनेगा ये आ जाएगा देखो ऐसे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin ax / ax कर दें इंटू लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ax / bx। तो आप इसमें चेक करें x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 1 आ गया, 1 × a / b आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से जो 14th सम है, इसी तरह से आपने करना है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin ax / sin bx है, तो ये जो ax है आपको ax चाहिए नीचे, तो ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, और इस bx के लिए आपको क्या चाहिए, / bx × bx करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin ax / x अपॉन लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 sin bx / bx, ठीक है इंटू ये जो हमारा बचा ax / bx बचा, इसमें से x कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आएगा, a / b आ गया फिर से, क्योंकि ये जो ये सारा 1 हो जाएगा, ये भी सारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ गया a / b, इस तरह से आपने इसको करना था। 15th सम लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई sin π - x अपौन π × π - x, इसमें आप h मेथड यूज़ कर सकते हो, x को पुट कर दें π + h, तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 आ जाएगा आपका, क्योंकि x - π जो h हो गया ना आपका, x अप्रोचिज टू π होगा, तो ये h विल अप्रोच टू 0, तो साइन कितना बना आपका, ये x को पुट किया आपने π + h - π - h, ठीक है बच्चों, अपॉन π - π - h, ठीक है बच्चों, तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा π से π - h, sin ऑफ -h - sin h, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारा जो ये सारा तो 1 ही हो गया आपका, तो जो आंसर बचा क्या बचा, 1/π आ गया सिंपल। 16th सम लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 cos x / π - x, तो इसमें तो सिंपल x को 0 पुट कर दो आप, cos 0 1 होता है, बाकी आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों,
इसके बाद है 17 सम लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो कॉस 2x माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप फार्मूला लगाएं, माइको एक्स अप्रोचिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस 2x कर दो, ठीक है 1 माइनस कॉस एक्स कर दो इसको। तो 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है बच्चों, 2 साइंस स्क्वायर एक्स होता है और 2 साइंस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो ये आ गया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स आ गया, ठीक है 1 अपॉन साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको x चाहिए ऊपर, और इसके लिए आपको जो ये वाला है इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2। तो आप देख पा रहे हैं x से x कैंसिल ही हो रहा है, ठीक है इसकी लिमिट 1 हो जाएगी, इसकी भी 1 हो जाएगी, इसकी भी 1 हो जाएगी, और ये भी 1 हो जाएगा। क्या बचा, 1/4 बचा आपका। ठीक है बच्चों, ये एक्स बाई 2 था ना आपका, तो ये हमारा बच्चा आंसर आया एक्स बाई 2 से एक्स बाई 2 ये किया हमने, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करेंगे ना इसमें, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना आपने 18th, क्योंकि मैंने एक्स टू एक्स तो कर दिया आपका, ये वाला और ये वाला तो कैंसिल ही हो गया था ना, बट ये जो 4 था ये नहीं कैंसिल हुआ था, उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब 18th सम है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो ए एक्स प्लस एक्स कोस एक्स अपॉन बी साइन एक्स। तो इसको क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो इसको भी आप ना सेपरेट कर दें, ए एक्स अपॉन बी साइन एक्स हो गया प्लस लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया। ठीक है बच्चों, एक्स इंटू कॉट एक्स अपॉन बी हो गया आपके पास, हो गया क्लियर आपको। ठीक है, तो ये जो बनेगा आपका लिमिट एक्स, अच्छा बी अपॉन कोज एक्स, चलो इसको कोज एक्स ही रहने दो आप, ठीक है, और ये भी सम हो ही गया आपका, इसको हम करते हैं बी साइन एक्स, ऐसे ही पढ़ा रहने दो आप इसको। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें ये होगा ना जो एक्स अपॉन साइन एक्स है ये तो बन ही होगी लिमिट आपके पास। ठीक है बच्चों, और इसमें भी ये जो लिमिट है ये भी बन हो जाएगी, और कॉस जीरो तो बन होता ही है हमारे पास। फिर क्या आंसर आ गया, ए अपॉन बी प्लस 1 अपॉन बी, मतलब ए प्लस 1 अपॉन बी आ गया। इस तरह से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, 19 सम है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एक्स सेकेंड एक्स। तो एक्स जीरो हो गया आपके पास, सेकेंड जीरो कितना होता है, कॉस जीरो वन होता है, कॉस सेकेंड जीरो भी वन हो जाएगा, तो ये जीरो क्रॉस वन जीरो ही आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, 20th सम लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। ठीक है बच्चों, तो आप इसको थोड़ा सा कर लें इसको एडजस्ट, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो ये देखो साइन ए एक्स, इसके लिए आपको ए एक्स चाहिए इंटू ए एक्स कर दो प्लस बी एक्स एज इट इज़ पढ़ा रहने दो, कुछ नहीं कहता आपको, ऐसे नीचे भी कर लो आप, ऐसे ए एक्स को पढ़ा रहने दे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा हमारे पास, जो अल्टीमेट बचेगा वो हमारा क्या होगा, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये चीज़ तो वन हो जाएगी, ये भी वन हो जाएगा आपका, और एक्स एक्स सभी में कॉमन आ रहा है, ये देखो हर एक टर्म में एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या फिर बचा हमारे पास, एक्स कॉमन निकल जाएगा तो ये बचेगा ए प्लस बी, ये ऊपर ए रह जाएगा सिर्फ आपके पास, ये बी रह जाएगा, नीचे भी ए प्लस जो उनसे यहाँ पर ये साइन बी एक्स था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं बी एक्स कर देती हूँ, ये भी ए प्लस बी रह जाएगा, तो ये वन बच गया आपके पास, आ गया आंसर वन। ठीक है बच्चों, इसके बाद है 21st सम, ये भी बड़ा सिंपल सम है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। ठीक है, तो कोसिकेंट जीरो कितना होता है आपके पास, कॉस जीरो ओवर ये, इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट करें पहले, तो वन ओवर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इस तरह से करना है बच्चों आपको। तो ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। फिर से हम करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स इज टू साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू। ठीक है, और ये नीचे पड़ा हमारे पास साइन एक्स, तो इसके लिए मेरे को एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू चाहिए, तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और नीचे एक साइन एक्स पड़ा था। ठीक है बच्चों, तो आ रहा समझ, तो इतना तो मेरे पास वन ही हो जाएगा,
और ये एक जो एक्स है ये एक एक्स इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, ये बाकी जो एक्स बचा आपका जब इसमें जीरो पुट करेंगे आप तो आपके पास जीरो आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको करना था। अब इसके बाद है 22nd सम, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू पाई बाई टू। ठीक है, टेन टू एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई टू। तो इसमें आप एच मेथड लगाएं, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, टेंजेंट एक्स को पुट करें पाई बाई टू प्लस एच। ठीक है, तो ये बनेगा टेंजेंट पाई प्लस टू एच, और नीचे आ गया आपका एच, टेन पाई प्लस टू एच, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होते हैं तो ये आएगा टेन टू एच अपॉन एच आएगा, तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये जो सारा है इतना सारा आपका वन बन जाएगा, बाकी बचा आपका टू। ठीक है बच्चों, अब 23rd सम, 23rd सम में आपको अभी आगे लेफ्ट एंड राइट लिमिट्स वाले सम्स आ गए। ठीक है, तो फंक्शन आपको गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री इफ एक्स इज लेस देन जीरो, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स निकालनी है आपने, जीरो पर और वन पर निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो वन पे तो बड़ा सिंपल है क्योंकि जो वन है आपका, ठीक है, वन में हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स पॉजिटिव वाला फंक्शन लेना है आपने, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू वन थ्री इंटू एक्स प्लस वन वाला फंक्शन लेना है, तो एक्स को वन पुट करेंगे इसमें आप तो ये आंसर आएगा सिक्स। और जब जीरो पर करना है, जीरो पर आपको गिवन है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो माइनस, इस पर जो फंक्शन आपको गिवन है लेस देन जीरो वाला वो गिवन है टू एक्स प्लस थ्री, तो एक्स को जीरो पुट करें तो आंसर थ्री आएगा। और जो एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस वाला करेंगे तो इसमें आएगा आपका थ्री इंटू एक्स प्लस वन वाला फंक्शन, तो इसमें भी एक्स को जीरो पुट करेंगे तो थ्री आ गया। तो इट मीन्स जीरो पर जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू जीरो कितना आंसर आ गया आपका, आगे थ्री। ठीक है बच्चों, इस तरह से करना था आपको। अब है 24th सम, ये भी आपको लेफ्ट एंड वन पर बताना है और लेफ्ट एंड राइट लेना आपने, वन माइनस में जो फंक्शन आपको गिवन है लेस देन वन वाला लेना आपने, ये गिवन है आपको एक्स स्क्वेयर माइनस वन, तो एक्स की वैल्यू वन पुट करनी है आपने। ठीक है, वन पुट करेंगे तो जीरो आ गया। तो इसी तरह से राइट एंड लिमिट जब हम निकालेंगे वन प्लस, तो इसमें जो फंक्शन गिवन है आपको वो है माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वन, तो इसमें एक्स को वन पुट करते हैं तो ये कितना आएगा आपका माइनस टू आएगा। तो आप देख रहे हो कि जो लेफ्ट एंड लिमिट है जीरो आ रही है, राइट एंड लिमिट माइनस टू आ रही है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद है 25th सम, जीरो पर निकालना आपने, एफ एक्स आपको गिवन है मोड एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो अदरवाइज जीरो, तो जीरो पर निकालना है, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू जीरो प्लस में, मोड एक्स क्या होता है प्लस एक्स होता है। ठीक है, मोड एक्स क्या होता है प्लस एक्स, तो एक्स अपॉन एक्स कितना आ जाएगा वन, और लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिज टू जीरो माइनस में, माइनस एक्स अपॉन एक्स क्या होगा माइनस वन होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, सेम वे से 26th सम करना आपने, उसमें एक्स अपॉन मोड एक्स है और कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। ठीक है, बाकी सारा सम सेम ही है। तो हम 27th सम करेंगे, एफ एक्स गिवन आपको मोड एक्स माइनस फाइव, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू फाइव निकालना आपको। ठीक है बच्चों, तो ये सम काफ़ी सिंपल है, फाइव माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो एक्स नेगेटिव हो गया आपका। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आएगा आपके पास, मतलब जो फाइव पर लिमिट लेनी है आपने। ठीक है, जो फाइव है फाइव का देखो स्मॉल फाइव लेंगे हम, फाइव की लेफ्ट साइड लेंगे या प्लस मतलब राइट साइड लें। ठीक है, तो नंबर तो पॉजिटिव ही रहेगा ना आपका, तो इसका आंसर क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू फाइव माइनस, सॉरी माइनस प्लस करने की इसमें ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि चाहे प्लस लें या माइनस लें तो ये मतलब पॉजिटिव ही आएगा, तो मोड फाइव माइनस फाइव आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जीरो। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप कर सकते हो। नाउ 28th सम है, एफ एक्स गिवन आपको एक ए प्लस बी एक्स एक्स लेस देन वन, वन पर फोर गिवन है, और बी माइनस ए एक्स एक्स ग्रेटर देन वन पर, तो आपने ए एंड बी की वैल्यूज निकालनी है, लिमिट जिसकी है जो आपको ये गिवन है लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू वन इज इक्वल टू एफ ऑफ वन आपको गिवन है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे,
मतलब इसका मतलब एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, और वैल्यू आपको 4 गिवन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको फंक्शन गिवन है, मैं लिख देती हूँ a प्लस बी एक्स, और राइट हैंड लिमिट में b माइनस ए एक्स। ठीक है बच्चों, बड़ा क्लियर हो गया सब आपको। तो ये a प्लस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू 4 आएगा आपके पास। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे आप, तो एक इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे आप, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 4, बी माइनस ए इज इक्वल टू 4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप चेक करेंगे a 0 आ गया, b आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने सम को सॉल्व करना था। नाउ 29th सम है, ये भी काफ़ी सिंपल सम है, एफ एक्स गिवन आपको। ठीक है, तो x अप्रोचेज टू a, वो कह रहा है व्हाट इज़ लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू ए वन। चलो मैं लिख देती हूँ, एफ एक्स गिवन आपको एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू, इस तरह से गिवन है बच्चों। ठीक है, तो बड़ा क्लियर है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू ए वन यदि आपने निकालना, तो इसमें आप ए वन माइनस ए वन करेंगे, बाकी कुछ भी हो तो ये आंसर तो 0 ही आ गया आपका। और लिमिट ऑफ एफ एक्स निकालनी है आपने, एक्स अप्रोचिंग टू ए निकालना है, तो एक्स को आप ए पुट कर दे, ए माइनस ए वन। बड़ा सिंपल सम है, कुछ भी नहीं है सम में, ए माइनस ए है। ठीक है बच्चों, ये हो गया सम आपका। 20th सम थोड़ा सा अच्छा सम है, थोड़ा सा अलग सा सम है। वो कह रहा है कि आपको एफ एक्स गिवन है मोड एक्स प्लस वन, इफ एक्स इज लेस देन 0, 0 पर 0 है, और ग्रेटर देन 0 पर मोड एक्स माइनस वन है। तो वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डज लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू ए एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, केस वन लेंगे हम, इफ़ ए इज़ लेस देन 0, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या आएगी आपकी, एक्स अप्रोचिंग टू ए, ठीक है, वो सारे नेगेटिव नंबर लिए हैं आपने, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट ऑफ मोड एक्स प्लस वन एक्स अप्रोचिंग टू ए। देखो मोड एक्स एक्स नेगेटिव में, मोड एक्स की इफ एक्स इज लेस देन 0 होता है, तो मोड एक्स कितना होता है बच्चों, माइनस एक्स ना, तो ये बना आपका लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू ए, ठीक है, माइनस एक्स प्लस ए बचा। ठीक है, तो इसमें आप एक्स की वैल्यू पुट करें, माइनस ए प्लस वन है, सॉरी प्लस वन, माइनस ए प्लस वन आ गया, तो इसको आप लिख दें मोड ए प्लस वन। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना मोड ए प्लस वन। इसी तरह से अब ए पॉजिटिव में क्या होगा, केस टू, वेन ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो जो मोड एक्स आपका क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 में, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग टू ए इज इक्वल टू लिमिट ऑफ मोड एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स अप्रोचिंग टू ए, तो ये कितना आएगा, ए माइनस वन आएगा, तो मोड ए माइनस वन, इसको फिर से लिख देंगे। ठीक है, केस थ्री, वैन ए इज इक्वल टू 0 होगा, तो हम इसमें निकालेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिज टू 0 प्लस, 0 प्लस में, ठीक है, मोड एक्स जो वो क्या होगा, मोड एक्स आपके पास एक्स हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, तो ये प्लस वन आ जाएगा, और लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिज टू 0 माइनस में मोड एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसमें जो दूसरा वाला फंक्शन है वो लेना आपने मोड एक्स माइनस वन, तो ये आएगा माइनस एक्स माइनस वन, तो ये माइनस वन आ जाएगा आप। ठीक है, तो आप 0 पर देख पा रहे हैं कि दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं हैं, तो ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू आर, बट ए नॉट इक्वल टू 0, 0 को छोड़ के बाकी सभी पर ये एग्जिस्ट कर रही है। अब 31st सम क्या कहता है, इफ़ द फंक्शन सेटिस्फाइज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई आर है, तो वो कह रहा है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेज टू 1 फिर क्या होनी चाहिए। ये देखो आपके पास यदि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इट मीन्स ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन रहा है, यदि ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन रहा है तो एफ एक्स को 2 होना पड़ेगा, तो इसका आंसर 2 आ गया, बस हो गया सम आपका। ठीक है, तो एफ एक्स को 2 होना पड़ेगा। अब लास्ट सम 32nd सम है, इसमें आपने निकालना फॉर व्हाट इंटीजर्स एम एंड एन बोथ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेज टू 0 और लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेज टू 1, दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो 0 पर हम करेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेज टू 0 माइनस होगी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेज टू 0 प्लस, मतलब लेफ्ट लिमिट जो है वो राइट लिमिट के इक्वल होगी, तो लेफ्ट के लिए फंक्शन आपको गिवन है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन,
ठीक है। लेफ्ट के लिए आपको मैं लिख देती हूँ फंक्शन एम एक्स स्क्वायर प्लस एन गिवन है, और राइट के लिए आपको फंक्शन गिवन है एन एक्स प्लस एम। तो इसमें एक्स को जीरो पुट करें तो आप चेक करें एन इज इक्वल टू एम आ गया आपका, ठीक है। सेम वे से हम वन का करेंगे, क्योंकि वन पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेज टू वन माइनस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेज टू वन प्लस होगा। तो वन माइनस पे फंक्शन आपका फिर से वही है, ये है एन एक्स प्लस एम, एन एक्स प्लस एम दिया हुआ है, और वन प्लस पे जो फंक्शन दिया हुआ है एन एक्स क्यूब प्लस एम दिया हुआ आपको, ठीक है। एक्स को वन पुट करें इसमें तो एम इज इक्वल टू एम आ गया, विच इज ट्रू आ गया आपके पास, ठीक है। तो मतलब क्या कि जो ये हमारे पास है एन प्लस एम आएगा, इसमें एक्स को वन पुट करेंगे, सॉरी एन को इसको एक्स को वन पुट करेंगे ना इसमें, सॉरी वन पुट किया ना हमने, तो ये आएगा एन प्लस एम, एन प्लस एम, और इधर से भी एन प्लस एम आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ ट्रू हो गया आपके पास। तो इट मीन्स दिस मीन्स बोथ लिमिट्स एक्स अप्रोच ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेज टू जीरो एंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचेज टू वन एग्जिस्ट फॉर ऑल एम एंड एन, ठीक है। और जो वन वाली आपके पास एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, मतलब कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एम एंड एन, ठीक है, जिसके लिए एन जो सा वो एम के इक्वल होगा, यही रिलेशन हमें निकालना था, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.1 की डिस्कशन। कोई डाउट लगे तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम डेरिवेटिव्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके एग्जांपल्स करेंगे, और फिर इसके बाद हम इसकी जो है एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।